प्रथम तहलका न्यूज। एक तरफ जहां जिला प्रशासन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लाख दावे करता है, वहीं शहर का प्रत्येक नागरिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल हालात ये है कि शहर में कहीं पर पेयजल की समस्या है तो कहीं पर सड़क की समस्या। इन सभी समस्याओं से परेशान लोग संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित करवाते हैं तो सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिलते हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पाता। शहर की प्रत्येक सड़क में गड्ढे बने हैं जो लोगों के लिए यमराज हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है, लेकिन फिर भी प्रशासन इसी कमरों में बैठे सिर्फ अधिकारियों को निर्देश देने में मशगूल है। शहर की सड़कों की समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत करवाते हुए लेबर क्रांति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश ने कहा कि वे इन समस्या के समाधान को लेकर कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। भिवाड़ी शहर का जो सर्कुलर रोड है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को हम बार बार लेटर के द्वारा अवगत करा चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भिवाड़ी के जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं, और यहाँ का जो MLA है उसकी नींद ही नहीं खुल रही है। हमने बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से इनको अवगत कराया कि भिवाड़ी का जो सर्कुलर रोड है वो टूटा हुआ है, आप इसकी तरफ ध्यान दें, लेकिन लगता है कि जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनको केवल तनख्वाह लेने की पड़ी हुई है। उनको ऐसा नहीं लगता कि भिवाड़ी शहर के अंदर जो टूटी सड़कें हैं उनको दिखाई नहीं देती। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जितने भी सर्कुलर रोड हैं, जितने भी खड्डे हैं उनको भरा जाए, क्योंकि इन खड्डों के कारण दुर्घटना होने की संभावना है। शहर में सड़कों पर गड्ढों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस समस्या के चलते आए दिन कोई न कोई हादसा भी होता रहता है, जिसको लेकर लोग लगातार प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन कब इस ओर ध्यान देता है। प्रथम तहलका के लिए भिवानी से हनीफ खान की रिपोर्ट।